और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मोबाइल पर अश्लील फोटो आया है। हालांकि उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी है। आपको बता दें कि सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मामला दर्ज करवा दिया है। उनके मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने अश्लील फोटोज भेजे हैं। ये जो नंबर है उनके पास आए हुए हैं, वो नंबर हमारे पास भी आ चुके हैं, 8280774239। इसके अलावा एक और नंबर से उनको मैसेज या फोटो पहुंची है, 6371608664। ये वो नंबर है जिस नंबर से अश्लील फोटो भेजा गया है प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मोबाइल पर। एक बड़ी खबर, जहां सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मोबाइल पर अश्लील फोटो आए हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी है, लेकिन ये गंभीर मामला। आपको बता दें कि इस पर सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत से, प्रदीप तलरेजा जी। प्रदीप, जिस तरह से ये खबर है, एक इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति के मोबाइल पर अश्लील, जबकि नंबर भी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी, मामला कहां तक पहुंचा? किसी व्यक्ति से, दो व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग नंबरों से उन पर अश्लील मैसेज भेजा गया, जिस पर खुद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के द्वारा थाना टीटी नगर में इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद तुरंत ही इस पर जो है छेड़खानी और जिस प्रकार से अश्लील हरकतें करने का जो गंभीर आरोप है, वो टीटी नगर थाने के द्वारा वहां पर दर्ज कर लिया गया। लगातार पुलिस उस मामले की जांच कर रही है कि नंबर कहाँ है और किनके ये नंबर है। लगातार पुलिस इस मामले को लेकर के विवेचना कर रही है, जांच पड़ताल में जुटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ा संवेदनशील मामला है, क्योंकि भोपाल सांसद के साथ इस प्रकार की जिस प्रकार से हरकत की गई है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी जो लापरवाही है ये कहा जा सकता है, एक बड़ी छेड़खानी की घटना कही जा सकती है। बिल्कुल, इस पर प्रज्ञा जी का क्या कहना है? देखिए, भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अभी तक कोविड में है और कोविड के दौरान वो अभी तक अपने होम आइसोलेशन पे, तो इसके किसी भी प्रकार से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं कहीं ना कहीं उसके नॉर्म्स को फॉलो करते हुए जो है मिलने की इजाजत नहीं है। तो ऐसे में अभी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कोई इस प्रकार से बयान जो है अभी तक निकल के नहीं आया है। बिल्कुल सही प्रदीप, क्राइम ब्रांच में भी हम इन नंबरों को देखकर पता कर सकते हैं कि दरअसल आए कहां से हैं, ये मतलब उस वो व्यक्ति कौन है जिसके नाम पर ये नंबर रजिस्टर्ड है। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से जो मामला है पूरा, क्योंकि सांसद से जुड़ा हुआ मामला है, भोपाल की सांसद जो है वो काफी संवेदनशील है। सबसे बड़ी बात है वो एक साध्वी है, साध्वी के साथ इस प्रकार की अश्लील हरकतें कहीं ना कहीं आम जनमानस की ओर भी ये इशारा करती है कि जब भोपाल सांसद के मोबाइल नंबर पर इस प्रकार की अश्लील जो चीजें हैं वो भेजी जा सकती है, तो आम आदमी का क्या होगा। अगर बात हम क्राइम ब्रांच की करें तो चूंकि ये मामला पूरा साइबर से जुड़ा हुआ होता है, चूंकि ये नंबर जो है ट्रेस करना है, ये साइबर से ही पूरी ये काम होता है, आगे भी इस पर जो है बड़ी जो संगीनता के साथ इसमें कार्रवाई की जाएगी, क्राइम ब्रांच को इसमें अलर्ट किया जाएगा। साथ साथ ये मोबाइल किसके नाम पे शो हो रहे हैं या ये मोबाइल नंबर कहाँ अभी चल रहे हैं, इसकी जांच पुलिस कर बहुत जल्द जो है उसका खुलासा करने की बात करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारियों के लिए। आपको बता दें कि सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मामला दर्ज करवा दिया है। इस मामले में प्रदीप जी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि किस तरह से क्राइम ब्रांच भी कोशिश कर रही है, एक साध्वी, साथ में महिला, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक वरिष्ठ नेता, अगर इस तरह से उनके साथ उनके मोबाइल पर इस तरह के मैसेज या फोटोज भेजे जाते हैं, तो सोचिए आम महिलाओं के साथ क्या होता होगा। टीटी नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि टीटी नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है, छेड़खानी और अश्लील मैसेज भेजने, फोटो भेजने का यह मामला दर्ज किया गया है टीटी नगर थाने में। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिनके मोबाइल पर अश्लील फोटो भेजने का यह मामला सामने आया है। नंबर हम अपनी स्क्रीन पे बता रहे हैं, इन नंबरों से उनके मोबाइल पर अश्लील फोटो भेजा गया है, 8280774239। ये वो नंबर है जिस नंबर से उनको फोटो भेजा गया। एक और नंबर हम डिस्प्ले कर रहे हैं, 6371608664। ये दो नंबरों से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मोबाइल पर अश्लील फोटो भेजा गया है।
जहां शासन और प्रशासन से त्रस्त हुए ग्रामीण जी हां खुद करने लगे खराब सड़क का ही मरम्मत कार्य। एक और बड़ी खबर हम आपको पुष्पराजगढ़ से बता रहे हैं दर्शकों, जहां शासन और प्रशासन से ग्रामीण इतने त्रस्त हो चुके हैं कि वे खुद खराब सड़क की मरम्मत करने जुट गए। स्कूल और गांव पहुंच मार्ग की हालत लगातार जर्जर होती जा रही है। खास बात यह है कि शहडोल सांसद का पैतृक ग्राम भी यही है और इस पर हम बात करते हैं। अनिल दुबे हमारे साथ संवाददाता खबर भारत के फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, इस खबर पर हम उनसे बात करेंगे। अनिल, जिस तरह से खबर है शहडोल सांसद का खुद का ग्राम वहां पर पड़ता है, मतलब एक जनप्रतिनिधि के रहते हुए ग्रामीणों को सड़क पर उतरना पड़ गया सड़क ठीक करने के लिए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह का ये पैतृक गांव भी है और यहाँ पे सांसद के अलावा पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र भी है, पुंदेलाल विधायक भी यहीं के हैं, लोकल ही। और उसके बाद भी ग्राम पंचायत कोयलारी की स्थिति इस बदहाल स्थिति में आज भी है और लोग बात मजबूरन जो है सड़कों पर उतर के खुद से अपना श्रम दान करके उस रोड को मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है उन्होंने। क्या कहना है, कब से अनिल कब से परेशानियां झेल रहे ग्रामीण? ये ग्रामीण जो है कई वर्षों से परेशानी झेल रहे हैं और जब ये खबर हमारे पास पहुंची उस वक्त हमने वहां का जायजा लेने भी उस गांव पे कल गए हुए थे और देखा, हमने वहां पे सरपंच भी मिले थे, उनसे भी हमारी बातचीत हुई तो सरपंच ने भी यही कहा कि हमने सांसद महोदय को इस मामले से अवगत कराया है, फिर भी यहाँ पे पक्की सड़क के लिए जो है कहीं से भी स्वीकृत नहीं मिल पाई है और जनपद से लेके जिला तक हम इसके लिए आवेदन दे चुके हैं, ग्रामीणों ने भी इसके लिए काफी पहल की है फिर भी उसकी स्वीकृत नहीं मिल पा रही है। पर एक बात वहाँ पे हमारी सामने ये आई कि सरपंच महोदय ने हमसे ये कहा कि ग्रेवल सड़क हम यहाँ पे दोबारा से बनाएंगे, जबकि एक बार ग्रेवल सड़क दोबारा बन चुका था पहले 3 वर्षों पहले। बिल्कुल, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें जो सामग्री लगनी चाहिए थी, ये तो खैर सर्वविदित जैसी बात हो गई। अनिल, आप भी सहमत होंगे इस बात से कि खराब मटेरियल यानी खराब सामग्री का इस्तेमाल करने से सड़कें हर बारिश के बाद जर्जर हालत में पहुंच ही जाती है और अगर उनकी मरम्मत की ना की जाए तो साल दर साल इनकी हालत और खराब होती चली जाती है। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, हमने बोला सरपंच आप हमको एक सवाल का जवाब दे दीजिए, पक्की सड़क कब होगी? तो बोले अब हम दोबारा से फिर से ग्रेवल पैक रोड बनाएंगे, उसके बाद में ये पक्की सड़क हम स्वीकृत करवा पाएंगे। आप शहडोल सांसद का नाम बता सकते हैं? हिमाद्री सिंह जी। हिमाद्री सिंह? हिमाद्री सिंह जी एक महिला है। एक महिला है? बिल्कुल, मतलब कहा जाता है कि महिला ज्यादा संवेदनशील होती है, ज्यादा भावनाओं से भरी होती है। क्या गरीबों की तकलीफ दिखाई नहीं देती, ग्रामीणों की परेशानी समझ नहीं आती? ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बड़ा सवाल है और स्वर्गीय दलवीर सिंह खत्म हो चुके हैं काफी वर्ष पूर्व, उनका वो ग्राम ही था और उनके समय में जो विकास हुआ था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अभी जो वर्तमान में सांसद है उनके कार्यकाल में और विकास होते हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इस मामले में हिमाद्री जी ने कोई आश्वासन अगर दिया हो उनके संज्ञान में तो ये मामला पहुंच ही गया होगा, क्योंकि ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे थे, शायद इसीलिए थक हार कर सड़क खुद सुधारने के लिए उतर पड़े। हम तस्वीरों में देख सकते हैं अनिल किस तरह की हालत है और ग्रामीण लगातार उस सड़क पर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और इस मामले में हमने अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की लेकिन हाल की स्थिति में अधिकारियों से हमारा संपर्क जो है नहीं हो पाया, सिर्फ सचिव के वहां से हमारा संपर्क हो पाया तो उन्होंने बोला कि ग्रामवासी जो कर रहे हैं और हमारे द्वारा अब जो भी सहयोग होगा वो हम देंगे उनको, जो भी हमारे द्वारा किया। क्या इस वक्त जब मैं अनिल जब मैं आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त भी काम चल रहा है सड़क पर? जी अभी भी हाल पे काम चल रहा है। बिल्कुल, मतलब ग्रामीण अभी भी सड़क पर उतरे हुए हैं सड़क ठीक करने के लिए? जी अभी की जानकारी तो ये सचिव जो जिस सचिव ने कहा कि हम इस पर काम करवाएंगे तो कब करवाएंगे, जब ग्रामीण सड़क बनाकर तैयार कर देंगे? जी उसको अपन यही मान सकते हैं कि जब ग्रामीण जो है सड़क बना के तैयार कर देंगे तब सचिव महोदय काम करवाएंगे। हमारे पास सचिव का नंबर भी है, हिमाद्री जी का नंबर भी है, हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आपको यही धन्यवाद करना चाहूंगी और बधाई भी कि हम समय समय पर इस तरह की खबरें उठाते हैं अनिल,
कि जिसमें लोगों को पता चले, दर्शकों को हमारे पता चले कि क्या स्थितियां हैं और जनप्रतिनिधि या जो वरिष्ठ पद पर बैठे हुए लोग हैं उनकी अनदेखी से एक आम व्यक्ति या आम जनता किस तरह से परेशान होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें पुष्पराजगढ़ का ये मामला था और हम बात कर रहे थे हमारे संवाददाता अनिल दुबे से, और इस वक्त भी सड़क ठीक करने के लिए ग्रामीण जुटे हुए हैं। शासन और प्रशासन से त्रस्त हो चुके हैं ग्रामीण, पुष्पराजगढ़ का ये मामला है और इतने परेशान हो गए कि खुद खराब सड़क का मरम्मत कार्य करने के लिए जुट गए। हमने तस्वीरों में भी आपको दिखाया और जिस तरह से हमारी संवाददाता से बात हो रही थी, अनिल बता रहे थे कि सचिव तक भी बात पहुंची है, हिमाद्री जी तक जो कि शहडोल की सांसद है, उनका पैतृक गांव है वहां पर, वहां उन तक भी ये बात पहुंची है, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला। और आश्वासन मिलने के बाद जब तक वो काम करना, खैर काम करना वो शुरू नहीं करेंगे क्योंकि जिसे काम करना होता है जिस जनप्रतिनिधि को, वो बोलता नहीं है, आश्वासन नहीं देता है, बल्कि काम करने के लिए टीम को लगा देता है। और चलिए इसी के साथ हम अगली खबर पर बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर है पृथ्वीपुर से। पृथ्वीपुर से अगली बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं। हमारे पास ये खबर है पृथ्वीपुर से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में नर्स का शव बरामद किया गया है। अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव मिला है और शरीर पर चोटों के निशान है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें पृथ्वीपुर से इस वक्त हम आपको अगली बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में नर्स का शव मिला। अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव बरामद किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक शरीर पर चोटों के निशान दिखने को मिले हैं और इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ नीरज कुशवाहा जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता है खबर भारत के। नीरज, कितने समय पुराना है ये शव, कब पता चला? मैं बता दूं, मैं पृथ्वीपुर अंतर निवारी रोड की घटना है, देर रात की घटना बताई है। जैसे सवेरे वहाँ के लोगों ने देखा एक अज्ञात व्यक्ति की लाश, महिला की लाश डली हुई थी, जहाँ पे 100 डायल हैंडलेट को सूचना दी। डायल हैंडलेट ने SDOP थाना पृथ्वीपुर में सूचना दी। इसके बाद थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव और SDOP संतोष पटेल घटना स्थल पर पहुंचा, जहाँ पे एक मोबाइल बजने की रिंग सुनाई दी। तो उन्होंने उठाया तो फिर उनसे वो जिस फोन पे आया तो उस लड़की को जानकारी दी कि यहाँ आओ, तो वहाँ उससे मृतक महिला का लड़का पहुंचा, उसने अपनी माँ के रूम में लाठी कनेक्ट की गई थी ना। बिल्कुल, क्या कहना है पुलिस का? पुलिस का ये कहना है, अभी जांच में जुटी है, अभी उसमें पुलिस बताने में जुटी है, अभी हत्या है या फिर आत्महत्या, अभी इसमें कार्रवाई में जुटी है। इसके बाद उन्होंने SDOP ने ये बताया कि इसकी जल्दी से जल्दी आरोपी पकड़े जाएंगे। बिल्कुल, प्रथम दृष्टया देखने पर क्या समझ में आ रहा है? अब इसमें तो देखने में आ रहा है हत्या, उसमें काफी चोटों के निशान दिखाई दिए, जहां हत्या का आशंका जताई जा रही है परिजनों के द्वारा और जो मोहल्लेवासियों की, ऐसे लगा जिसकी हत्या की गई है। जी मैम, जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। आपको बता दें पृथ्वीपुर से बड़ी खबर थी और नीरज कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए थे, ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे। और आपको बता दें कि हम इस पर बात करने के लिए कई अधिकारियों से हमारी टीम संपर्क कर रही थी, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। क्षेत्र के लोग पिछले